पहलवान रखा था अपने गुरु भाई के जीतने के लिए, हमारे समिति में रखा हुआ है, थापा पहलवान जाकर के ले लेगा। देखिए बड़ी कुश्ती है आपके क्षेत्र की है, धर्मेंद्र पहलवान सिलवटिया, उनकी कुश्ती है आप लोगों के क्षेत्र में होने जा रहा है, कोई महानुभाव आकर के हाथ खिलवा दे। चंदन भैया, चंदन भैया किसी को भी देखिए, सूर्य भगवान भी अपनो बहुत तेज रोशनी किए हुए हैं, बहुत धूम ले, हमें बहुत खुशी है कि इतने धूम में भी जितनी जनता नेपाल की। और धर्मेंद्र पहलवान और दोनों पहलवानों को हाथ मिलवाने के जा रहे हैं सागर माली, नमूना युवा क्लब के अध्यक्ष हैं। एक बार सागर माली और धर्मेंद्र पहलवान के नाम पे जोरदार ताली बजा दें। सागर माली जी दोनों पहलवानों के बीच में हाथ मिला रहे हैं। हेलो ए भाई, जो साउंड के ऊपर जाके टेबल पे बैठे हैं उनको निवेदन पत्र लेके आना पड़ेगा क्या कहने के लिए? अरे किसी के ऊपर गिर जाएगा तो एक तो कुश्ती हो रहा है, दूसरी शुरू हो जाएगी, तो आप लोग कृपया साउंड को छोड़ दें। अरे परिचय देने दीजिए रेफरी साहब, क्यों आप थादे हुए? हमारे भैया ने अभी हाथ मिलवाकर दोनों पहलवानों का शुभारंभ किया, दोनों पहलवानों को 500-500 रूपए दिए हैं दूध पीने के लिए, कह रहे हैं जो जीतेगा हम अपनी खुशी से और अभी देंगे जो आएगा। रेफरी साहब परिचय दीजिए। रेफरी साहब के बाएं हाथ में अनिल पहलवान, लाल जांघिया में, छीड़दार जांघिया में अनिल पहलवान बाबा विश्वनाथ की नगरी बनारस की धरती से चलकर आए, उन्हीं के सवाल के जवाब में एक घुटने में दो दो मेकअप लगाए हुए आपके सिलवटिया के जान और सिलवटिया के मान धर्मेंद्र पहलवान यही है जो नेपाल एशियन गेम में कैंप लगा हुआ है, मेडल पर गया है विदेश जाने के लिए। साथियों आपके नेपाल का नाम रोशन कर रहा है, ऐसे ऐसे वीर योद्धा पैदा हुए हैं नेपाल में, नेपाल वीरों की धरती है, ना कभी खाली हुई ना खाली होगी। आप नेपाल के नाम पर ताली बजाकर स्वागत कीजिए। रेफरी साहब समय बताइए, दोनों पहलवानों का समय 10 मिनट कुश्ती अखाड़े के बीच में। रेफरी साहब के पालन करिएगा दोनों पहलवान। ये धर्मेंद्र पहलवान जो यही बगल की रोहिणी नदी बहती है उसी का पानी पिया हुआ है, इसीलिए रोहिणी का जवानी है और उनके जवाब में है गंगा नदी का पानी पीने वाले अनिल पहलवान। धर्मेंद्र और अनिल, नेपाल और भारत के बीच में घमासान कुश्ती जारी है, देखना है कौन कैसे किस पे दाव आजमाइश करता है। अभी धर्मेंद्र पहलवान ऊपर यानी कि नेपाल ऊपर, भारत नीचे। ऐसी बात नहीं है, नेपाल का पहलवान ऊपर है, वही तो नेपाल ऊपर भारत नीचे। और एक बार नेपाल के नाम पर जोरदार ताली बजाएंगे आप लोग धर्मेंद्र पहलवान के नाम पे। बहुत सही, दोनों पहलवान दाव मारियो, चोट मारियो, दोनों एक तरफ है रोहिणी नदी का पानी, दूसरी तरफ है गंगा की जवानी। अनिल और धर्मेंद्र पहलवान के बीच में जोरदार घमासान कुश्ती जारी है, देखना है कौन कैसे कब फाइनल करता है। और धर्मेंद्र पहलवान अभी ऊपर गोल गोल घूमते हुए, और अनिल पहलवान जो कि बनारस के हैं, भारत के बहुत ही अच्छे पहलवान हैं, उनको नीचे दबोचे हुए हैं। अनिल पहलवान जो बनारस बाबा विश्वनाथ की नगरी से चलकर आए हैं, धर्मेंद्र उनको अभी नीचे दाबे हुए हैं, देखते हैं कौन पहलवान दाव मारता है, कौन पहलवान कला का प्रदर्शन करता है। दोनों पहलवान अपनी उम्र वजन में अच्छे हैं, दोनों दाव मारने वाले हैं, दोनों अच्छे पहलवान हैं, कोई फाउल गेम नहीं करने पाएगा। हमारे दो दो रेफरी बहुत अच्छे रेफरी दोनों लोग हैं, काफी बारीकी से देख रहे हैं कौन पहलवान क्या कर। एक के ऊपर आशीर्वाद है बाबा विश्वनाथ का, तो दूसरे के ऊपर आशीर्वाद है माँ सतिया का।
एक बार सतिया माँ के नाम पर और धर्मेंद्र पहलवान के नाम पर जोरदार ताली बजावें और इस तरह नेपाल और भारत के बीच में घमासान युद्ध जारी है। अरे भाई, बम बारूद वाला युद्ध नहीं है ये, बहुत ही जानदार और शानदार कुश्ती। लाल लंगोट में जो है वो भारत के अनिल पहलवान जो कि बनारस से हैं, और काले कस्तूर में जो हैं वो हैं धर्मेंद्र पहलवान जो कि यही सिलवटिया और सतिया माँ के मंदिर के किनारे हैं। धर्मेंद्र पे चलो दा मारो, दोनों पहलवान अच्छे हैं, बहुत अच्छे दोनों पहलवान। दाव मारने वाले का नाम होता है, चोट करने वाले का नाम होता है। हेलो, रोड पे जितना मोटरसाइकिल आप लोग खड़ा किए हैं, रोड पूरा जाम हो चुका है, तो आप लोगों से निवेदन है कि अपना अपना मोटरसाइकिल रोड पर से हटा करके कहीं साइड में रख दीजिए, नहीं तो अभी भाई दाव मारने के प्रयास में धर्मेंद्र पहलवान, लेकिन अनिल पहलवान भी अपना बचाव कर लिया। अंटी घींच करके अंटी मार रहे थे धर्मेंद्र पहलवान, लेकिन बनारस का भी पहलवान कहीं से कम नहीं रहा, वो भी अपना बचाव कर लिया। डीजे वाले भाई थोड़ा बहुत बहुत सही भी चलता रहे, बहुत ही अच्छी कुश्तियां हो रही हैं दोनों।